अविवाहित तरुणांना हेरून लग्नाचा बनाव रचणाऱ्या टोळीला धुळ्यातील पोलिसांनी गजाआड केलंय. या टोळीने शहरातील एका तरुणाला 3 लाखांचा गंडा घातला होता. याबाबत तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांनी धडक कामगिरी करत अगदी शिताफीने या टोळीला जेरबंद केलं. त्याचं झालं असं की शहरात राहणारा एक तरुण लग्नासाठी मुलीच्या शोधात होता. यावेळी एजंट मोरे याने सुंदर बनावट नवरी मुलीचा फोटो दाखवला. सदर मुलगी पसंत आल्याने तरुणासह त्याच्या नातेवाईकांनी घाईघाईत विवाह लावला. त्यानंतर बनावट नवरी व बनावट मुलीच्या आईने संधी साधत त्या ठिकाणाहून पळ काढला. या टोळीला पकडल्यानंतर 40 गाव रोड पोलिसांनी यावेळी बनावट नवरी व तिचे बनावट नातेवाईक बनणाऱ्या आरोपींच्या हातात फलक दिले होते. ते फलक लक्ष वेधून घेत होते. तथापि बनावट नवरी ही अल्पवयीन असल्याने तिची रिमांड होममध्ये रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान या कारवाईमुळे ठगबाजी करणाऱ्या टोळींमध्ये धडकी भरणार आहे. पोलिसांनी पकडलेल्या या टोळीने अन्य तरुणांची फसवणूक केली असण्याची शक्यता आहे. त्या दिशेने तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. एक 23 ऑगस्ट को एक 40 गाव रोड की पोलिस स्टेशन के अंडर एक तकरार हुआ है. उसमें एक 32 साल का व्यक्ति था, तो उसने एक मैरिज एजेंट को कांटेक्ट किया था. तो वो मैरिज एजेंट दूसरी मैरिज एजेंट को उसका नाम दिया था, उसको कांटेक्ट किया था. फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गाँव है तो वहाँ पे बुलाया गया था. तो वहाँ पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी. उसमें एक उसको लड़की भी दिखाई थी, उसको माँ करके दिखाई थी, उसका लड़की का भाई करके एक आदमी को, ऐसे पूरा एक फेक सेटअप उसने करके एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया. फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया, शादी फिक्स करवा लिया. फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने 3 लाख रुपए मांगने किया. एंड ये जो आदमी है उसने 3 लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया. फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था. शादी उसको मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक मंदिर थे वहाँ पे हो गया. फिर उसके बाद वहाँ पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब दूल्हे वापस आता ना साकरी में वो जो उसका माँ आनी उसका जो जो लड़की है दोनों वहां से भाग गए. फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको फसवनुक हो गया. फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया. फिर उसके बाद हमने इशू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा इश्यूज सिटी में 2-3 बेला हुआ है. तो हमारा एपीआई 40 गांव रोड जीवन बोर्ड से उसकी टीम के साथ उसने 8 दिन पूरा एफर्ट्स लिया. उसका CDR एनालिसिस किया. वहां पे जाके हमने CCTVs देखा. बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो जो मेन लोग है उसको हमने 5 लोगों को, अभी 8 लोग आरोपी किया हमने, उसमें हमने 5 लोगों को अभी ताबे में ले लिया. उसमें एक जो उसने लड़की दिखाई गई है वो माइनर गर्ल है, तो उसको हमने नाम हम रिवील नहीं कर सकते है. बट जो अदर लोग है, जो उसका माँ जो बना है, उसकी जो घर दिखाया वो घर की मालक है एंड उसका जो बाई है, तो ये पूरा फेक सेटअप को हमने 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन ने हमने बस्ट किया है. एंड उसमें और 2-3 लोग है हम और अरेस्ट करने की है, तो वो लोग भी हम अरेस्ट कर देंगे. इसमें हमने एक बाइक जब्त किया है एंड उसमें जो कैश दिया हमने 20,000 तक कैश दिया है. उसमें जो एक मेन एजेंट है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है. वो हो गया तो हमारा और भी अच्छा रिकवरी हो जाएगा. तो ये पूरी कार्रवाई के लिए मैं 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन, स्पेशली हमारा PSA लेंडे साहब है ना, उसने बहुत मेहनत किया है. हमारा PSA पाटिल साहब भी बहुत मेहनत लिया है. हमारा DB स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ.